जय हिंद। इजराइल का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम किस तरह से काम करता है और किस तरह से इससे भी खतरनाक स्पाइडर, डेविड स्लिंग और एरो कैटेगरी की मिसाइलें काम करती हैं। देखिए, इसका जो आयरन डोम का पहली बार शुरुआत किया गया था वो इजराइल की कंपनी राफेल डिफेंस ने किया था। आप राफेल जहाज मत सोचिएगा, राफेल जहाज को फ्रांस की कंपनी डसाल्ट बनाती है, जबकि आयरन डोम को इजराइल की कंपनी रफाल बनाती है। तो आयरन डोम का जो पहला इस्तेमाल किया गया था 2011 में किया गया था और इस्तेमाल करने के 6 दिन बाद ही इस पर हमले हुए थे, जिसने पूरी तरह हमलों को न्यूट्रल किया था। ये आयरन डोम क्यों कहते हैं? आयरन मतलब होता है लोहा और डोम का मतलब एक गुंबद टाइप का। इस तरह से शहरों को एक लोहे की समझ जाइए कि एक प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इसका नाम आयरन डोम रखा गया। हालांकि शुरुआत में कहा गया था इसका कासम प्रोटेक्शन नाम रहना चाहिए, क्योंकि जो भी गाजा से रॉकेट हमले होते हैं वो कासम कैटेगरी के रॉकेट ही हमले होते हैं। ये कैसे काम करता है? इसका सबसे छोटा जो वर्जन होता है वो आयरन डोम होता है, बाकी सब इससे ज़्यादा एडवांस होता है, लेकिन इजराइल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आयरन डोम की है। आयरन डोम जो सिस्टम है वो 3 कैटेगरी में काम करता है। सबसे पहले उसका रडार होता है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम होता है जो पता लगाता है कि मिसाइल की स्पीड कितनी है और कहाँ जाके गिरेगा, उसके बाद होता है लॉन्चर जो मिसाइल को मारता है, यहाँ से आयरन डोम नाम की जो मिसाइल है उसको यहाँ से मारता है। तो ये 3 सिस्टम होता है। तो दिमाग में बैठा के रखना है कि 3 सिस्टम, यहां से दुश्मन का मिसाइल मारेगा तो 3 सिस्टम द्वारा उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब एक एक करके इन तीनों को हम लोग समझते हैं। आयरन डोम सिस्टम को मूवेबल होते हैं, वो किसी भी तरह से गाड़ियों पे, ट्रक पे ले जाके एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जा सकता है। तो इसे इजीली मूव किया जा सकता है और कहीं एक जगह फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही हमास या गाजा पट्टी से कोई भी रॉकेट को डागा जाता है, आपको पता है कि ये लोग कासम रॉकेट को डागते हैं, ये लगभग बहुत छोटा रॉकेट होता है, इसमें खुद के गाइडेंस सिस्टम नहीं होते। कई बार ये रॉकेट तो गाजा में से दागिएगा तो गाजे में गिर जाते हैं, कभी कभी दिवाली का रॉकेट हम लोग भी छोड़ते हैं तो अपने आ जाके गिर जाता है, तो इसमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं है। इसी वजह से देखेंगे ये 2000-3000 मारते हैं सर, क्योंकि इनको भी नहीं पता है कि कौन कहाँ जाके गिरेगा। ये आर्मी वगैरह पर नहीं, कहीं जाके गिरे बस उधर जाके गिरना चाहिए। तो इनको जैसे ये लोग यहाँ से दागते हैं तो ये जो आयरन डोम पूरा सिस्टम है, इसका रडार सबसे पहले इसे डिटेक्ट करता है कि पकड़ता है कि रडार में कहाँ आ रहा है, और रडार सिग्नल से जब उसको पकड़ लिया जाता है इस रडार से, ये रडार को इजीली मूव कराया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। रडार पकड़ने के बाद ये रडार इसको भेज देती है कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये एक पूरी तरह से इसके अंदर बैठे रहते हैं लोग, जो मैनुअली भी कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिक भी कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ भेजा जाता है, यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये रॉकेट कहाँ जाके गिरने वाला है, क्या इससे कोई बढ़िया चीज नुकसान होगी या किसी आदमी का लॉस हो सकता है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रॉय हो सकती है, तब ये मिसाइल को लॉन्च करने का ऑर्डर देंगे या ऑटोमेटिक भी लगा के